हाय एवरीवन, और आज है सैटरडे। हम लोग निकल रहे हैं तविशी के स्कूल, क्योंकि तविशी ने किसी एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए उसको जाना था। तो हम लोग अभी उसको लेने के लिए जा रहे हैं। 12 बजे उसका टाइम है लेने का, तो 11:30 हो रहे हैं। हम निकले हैं फटाफट, और आज हम ही दोनों हैं गाड़ी में, नहीं तो हमेशा तविशी भी होती है ना साथ में। आज हम उसे लेने जा रहे हैं, तो काफी खाली खाली लगता है, ऐसे नहीं होती है वो तो। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, तो आप लोग कुछ बोलते हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो और बहुत अच्छे लगते हो, है ना। तो यही चीज मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि हस्बैंड लोग ना तारीफ नहीं करते हैं मेरी, तो पता नहीं उन्होंने कब की होगी, 1857 या फिर 1947, मुझे याद नहीं कि कब की हो, याद ही नहीं आता। तो आपके भी होंगे ना ऐसे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड तो कभी शादी से पहले ही की होगी तारीफ, और उसके बाद तो तारीफ ही नहीं करते हैं। मतलब खाने की तो करते हैं, लेकिन ये मतलब वैसी तारीफ नहीं करते कि तुम ब्यूटीफुल हो, क्यों नहीं करते हैं। कोई जवाब नहीं, ऐसे ही होता है। जब मैं पूछती हूँ ना मैं कैसी लग रही हूँ, तो ऐसे ही बस मुस्कुरा देते हैं, और समझ ही नहीं आता अच्छी लगती भी हूँ या नहीं, भगवान जाने। कुछ तो बोल दो, कैमरा बंद होने के बाद ही बोलेंगे। अब तो चुप हो गए, जैसे कैमरा ऑन होता है ना ये चुप हो जाते हैं। क्या करूं मैं बताओ, आप बोलते हो कि मैं इनसे बात करवाऊं, पर ये बोलते ही नहीं है। और सुबह से आज हम लोग घूमे घूम रहे हैं, अभी बज रहे हैं 5:30 और 5 बजे हम लोग घर आए। उससे पहले जब हम तविशी को स्कूल से लेके आए, उसके बाद फिर हम लोग मार्केट तक निकल गए, वहां से थोड़ा बहुत सामान खरीदा, बिग बाजार गए थे, ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान लिया हमने, और फिर उसके बाद तविशी को घर छोड़ा। काफी थक गई थी क्योंकि स्कूल में भी गई थी और उसके बाद हमारे साथ बिग बाजार भी गई, वहाँ बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और फिर उसको छोड़ने के बाद फिर हम थोड़ा मार्केट में निकले, और वहां से हमें मुझे जरूरत थी मार्केट से किस चीज की मुझको जरूरत थी, मंदिर मैंने बदल लिया। बहुत दिनों से वैसे मैं सोच रही थी कि मैं चेंज करूँ। 12-13 साल पुराना मंदिर है ये, और ये मेरा लिया हुआ भी नहीं था एक्चुअली, है ना। मेरे को मेरी मदर इन लॉ है ना और मेरे फादर इन लॉ, वो लेकर आए थे दोनों, तो काफी मतलब वो उनकी पसंद का था वैसे तो, ठीक है, लेकिन अच्छा मुझे वो अभी भी अच्छा लगता है, इसीलिए इतने दिनों से रख रखा था। लेकिन वो काफी छोटा है और उसमें ना सामान प्रॉपर नहीं आ पाता है, जैसे भगवान जी की मूर्ति तो रख लो, लेकिन उसके बाद अगर मुझे प्रसाद रखना होता है, दिया रखना हुआ होता है, तो ना उसके लिए स्पेस ही नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने लिया है वो जो मार्बल वाला होता है ना, वो वाला मंदिर, और अभी वेट कर रही हूँ कब तक आता है वो मंदिर। उन्होंने बोला है कि ऑर्डर तो मैं दे आई हूँ और वो आ जाएंगे 6 बजे तक बोल रहे थे, तो अगर पॉसिबल हुआ वो लोग आ गए मंदिर लेकर तो आज ही दिखाऊंगी, तो कल दिखाऊंगी। और मैंने लिया है हमारे ग्रेटर नोएडा में शावेरी मार्केट है, जानते होंगे लोग, तो वहां पर एक शॉप है, उसका नाम मैं उसका विजिटिंग कार्ड लेकर आई हूँ, तो मैं बताऊंगी कहाँ पे, शॉप नंबर 3 है वो, तो उससे लेके आई हूँ। काफी मतलब वेराइटी थी मंदिर की, तो इसी मैं आपको अभी क्लिप भी दिखाती हूँ, आपको देखेगा आप, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में क्या दिखाती हूँ, ग्रॉसरी जो मैंने परचेज किया ना, क्या क्या सामान वो दिखाने वाली हूँ, एक दो इंटरेस्टिंग चीजें भी, और अगर पॉसिबल हुआ तो आज मंदिर भी आपको दिखाई दूंगी। चाय करती हूँ फिनिश, और तब तक आप देखिए जो मैंने शॉप से जो सामान लिया है ना, जहाँ से मैंने मंदिर लिए। तो फिर ये सारा सामान है जो मैं लेकर आई हूँ बिग बाजार से, और सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो ये येलो मस्टर्ड ऑयल है, और ये वहीं पर ही मिलता है बिग बाजार में, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। 199 का था, शायद कम प्राइस पर हो, मेरे पास इसका बिल तो फिलहाल नहीं है। एक ये लेकर आई हूँ, और ये जो होता है डिश लिक्विड, सोप वगैरह, और साथ में ये बॉटल मुझे मिली कांच की, जो ग्लास वाली होती है, मैंने बताया था ना पिछली बार मैं 180 या 190 की लेकर आई थी, लेकिन यही मुझे बिग बाजार में 99 की मिल गई, इसलिए मैं ले आई हूँ। तो मेरी वो दोनों, एक ब्लू और एक ग्रीन है, एक और ये हो गई है, ये थोड़ी ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये वाला कलर है इसका, बॉटल वाला जैसा होता है, तो ये वाली, मतलब 3 का सेट बन गया मेरा। और ये तविशी कुछ अपना सामान लेकर आई है, पेन वगैरह जो उसको चाहिए होते हैं, उसके अपना स्टेशनरी वाला जो होता है, और एक ये मैं लेकर आई हूँ, ये गार्लिक क्रशर है, गार्लिक को क्रश करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड को ये बड़ा पसंद आया था तो उन्होंने ये लिया है, तो अभी मैं इसको यूज़ करूँगी फिर बताऊँगी आपको ये कैसा है। और ये 300 का है,
और मुझे मेरा जो पिलर है वो खराब हो गया था ये, तो एक ये लाई हूँ और साथ में एक नाइफ भी लेकर आई हूँ। और ये घी है मधुसूदन का, ये खत्म हो रहा था, ये लाई और मैं ये लेकर आती हूँ, ये वाले ऐसे वाले स्पंज, इसलिए क्योंकि मेरा नॉन स्टिक पैन है ना, तो स्कॉच ब्राइट जिसके पीछे ऐसे करके स्क्रबर भी होता है साथ में स्पंज होता है, तो अगर मुझे अपना नॉन स्टिक साफ करना है तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ, और दूसरे बर्तन साफ करने होते हैं स्टील के तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। और एक कश्मीरी लाल मिर्च लाई हूँ गोल्डन हार्वेस्ट की, ये भी मुझे अच्छी लगी, अच्छा है मतलब इसका गोल्डन हार्वेस्ट का प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। और क्या है, और ये तवीशी लाई है अपने लिए मुरमुरे, तवीशी का स्टेशनरी वाला सामान ज्यादा है, अपना प्रैक्टिस के लिए लेकर ये रजिस्टर और एक ये पेन, एक और तीन सेट लेकर आई है पेन के, और ये ब्लैक पेपर और दलिया, क्योंकि हम दलिया आजकल ले ही रहे हैं काफी सारा, और थोड़ा सा हम लोगों ने ये राइस ब्रैन ऑयल जो है ये भी मैं रख लेती हूँ, क्योंकि अगर कभी पराठे वगैरह बनाने होते तवीशी लेके जाती है तो राइस ब्रैन ऑयल में मैं बना देती हूँ। और क्या है सामान, और सौंफ लेकर आई हूँ, और लेकर आई थी इसके साथ, हाँ क्योंकि मैं सौंफ और धनिया, एक मिनट आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं सौंफ और धनिया को मिक्स करके पीसती हूँ ना, इसलिए मैं सौंफ और धनिया दोनों लेकर आई हूँ, धनिया पाउडर जो बनाती हूँ। और मेरा चना दाल खत्म हो रही थी तो ये आधा 500 ग्राम जो है ये काला, ये चने की दाल जो होती है, तो ये आधा जो होती है आधा किलो चने की दाल लेकर आई हूँ। और ये है किशमिश, इनका साइज काफी अच्छा है ना, बड़ा बड़ा सा ये लेकर आई हूँ, हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी में मार्केट है ना वहाँ काफी कॉस्टली मिलता है, इसलिए हम वहां से लेकर आ गए, यहाँ ठीक मिला ठीक प्राइस पर। और एक ये डिटर्जेंट है एरियल वाला, 2 किलो का है, इसके साथ 1 kg फ्री आया है। और कुछ ये मूंगफली के दाने, तो ये सारी शॉपिंग आज हम लोगों ने की है, हमारी ग्रोसरी शॉपिंग बहुत ज्यादा सामान नहीं था, जितना था हम लेकर आ गए। तो 6 तो बज चुके हैं, अभी तक तो आया नहीं मंदिर लेके वो, और मेरे पूजा का भी टाइम हो रहा है 6:30 के 7 के बीच में कर लेती हूँ, अगर तब तक आ जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं आपको कल ही दिखा पाऊंगी मंदिर, पहले तो मैं पूजा ही करूंगी अभी, फिर उसके बाद मुझे वो मंदिर साफ भी करना है जब वो आएगा, उसके बाद ही उसके अंदर फिर भगवान जी की मूर्ति जो होंगी उनको वहां पर स्थापित करूंगी, तो फिर इसलिए आज तो पॉसिबल नहीं है, अगर मंदिर आ गया अभी थोड़ी देर में तो ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं, फिर तो आप कल के वीडियो में देखिएगा, पर है बड़ा अच्छा सा, और वो मैंने लिया है 6500 का। अब मुझे बताइएगा, मैं अब आप जब साइज देखेंगे उसका तो फिर आप मुझे बताइएगा कि मैंने महंगा तो नहीं ले लिया, वैसे मुझे ठीक लगा, इतना ही होना चाहिए, वो थोड़ा सा व्हाइट कलर का है और उसके थोड़े डिजाइन है, मतलब सामने से वो मरून कलर का और थोड़ा येल्लो सा है, अब तो मैं भूल भी गई ऐसा ही था क्या वो, और बड़ा प्यारा सा है, और जैसे मतलब मेरा रूम है ना उसके हिसाब से वही साइज बिल्कुल परफेक्ट था, ना बड़ा ना छोटा, तो अभी जब आएगा ना तब आप देखिएगा। एक तो बिल्कुल ही व्हाइट थे तो मैंने तो वो थोड़ा और कम प्राइस में मिल रहा था, वो 6000 के आसपास मिल जाता, लेकिन फिर मैंने कहा कि जब लेना ही है ना तो फिर जो जिस चीज पे मन आ गया तो फिर वही लेना चाहिए, खासतौर से भगवान जी और मंदिर है तो फिर तो क्या कॉम्प्रोमाइज करना, जो सबसे पहले देखते ही चीज पसंद आई फिर वही ले लेना चाहिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जब आएगा तो आपको जरूर दिखाऊंगी, और अगर आ गया आज तो नहीं तो फिर आप कल के ब्लॉग में जरूर देखेगा, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया है, साथ में आपको उसकी उसमें मैं अपनी मेरा जो अब आगे वाला पूजा रूटीन होगा वो भी देखेगा। मेरी आंख में काजल लग रहा है, लग रहा है नहीं, तो बाहर बैठी हूँ अभी, और अभी तक मंदिर वाला नहीं आया, देखो 6:30 हो गए और उसका कोई अता पता नहीं है, मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा, तो आज के ब्लॉग में पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी ब्लॉग एडिट करूँ और फिर उसके बाद कल ही आपको दिखाऊंगी कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया कैसे किया, और आज तो अब बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, मैं सोची थी आज ही बस बिल्कुल उसको साफ करके सब कुछ सारी मूर्ति वगैरह स्थापित करके आज ही पूजा करके आपको दिखाती, लेकिन ये मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा, और फिर आप कल के ब्लॉग का वेट करिएगा मेरा। और मेरा ये नेल पेंट है, कैसा है, मेटेलिक सा है थोड़ा ना, ग्रीन ग्रीन का, कैसा लगा कमेंट करके बताना, मुझे कुछ खास तो नहीं लग रहा, लेकिन आप बताना आपको कैसा लगा ये कलर, सुबह तब करूँगी ब्लॉग का यहीं पर ही एंड, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।